सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इकोना के इलाके की खबरें एक साथ। इकोना के बीरपुर मोड़ के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सड़क तालाब बन चुकी है और लोग इस सड़क रूपी तालाब में फंसकर गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं तथा कई लोगों को चोट आई है, कई वाहन भी फंस चुके हैं। परंतु सड़क की ये तस्वीर लोगों को चौंकाने के लिए काफ़ी है। किस प्रकार यहाँ पर लोगों को निकलना पड़ता है, यह तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इकोना के कंजड़वा रोड पर पहुंचकर राजस्व कर्मियों ने शुरू किया अभियान। बिना मास्क लगाए लोगों से वसूला जा रहा जुर्माना। इकोना इलाके के कंजड़वा रोड की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह सवेरे ही राजस्व कर्मी पहुँच गए और अपना अभियान चलाते हुए बिना मास्क लगाए लोगों से जुर्माने की राशि वसूल रहे हैं। इकोना इलाके के धनुही मार्ग के कंजड़वा रोड की ये तस्वीर है, जहाँ पर पहुंचकर राजस्व कर्मियों ने अभियान चलाया है और बिना मास्क निकले लोगों से जुर्माने की राशि वसूली जा रही है। साथ ही सख्त चेतावनी दी जा रही है कि दोबारा मिलने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकोना इलाके के कंजड़वा रोड की ये तस्वीरें हैं, जहां पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर राजस्व कर्मी अभियान में जुटे हुए हैं और बिना मास्क लगाए लोगों से जुर्माने की राशि वसूल रहे हैं। इकोना इलाके के मलौना खसियारी में अचानक राप्ती नदी में काफ़ी पानी आ जाने से लोग हुए परेशान। जानवर चराने आए बच्चे दूसरे तट पर फंसे। इकोना इलाके के मलौना खसियारी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अचानक राप्ती नदी में अत्यधिक पानी आ जाने के चलते जानवर चराने आए कई लोग राप्ती नदी के उस पार फंस गए हैं, जो घर जाने में भी अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकोना इलाके के मलौना खसियारी की ये तस्वीरें हैं, सुनिए इन्हीं की जुबानी। भैया ये कौन सी जगह है? ये भैया ग्राम मलौना खसियारी है। यहाँ आप लोग कैसे आए हैं? यहाँ हमारे यहाँ इस समय राप्ती नदी आज सुबह से बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये बच्चे को लेकर कैसे आए हैं आप लोग यहाँ? ये बच्चे इधर गाय चराने आए थे, लेकिन अभी इस बार नहीं जा पाएंगे, नाव की सहारा लेने पड़ेगी। बाढ़ बहुत तेज आ रही है। 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दी जा रही कोविड की दूसरी खुराक। स्वास्थ्य टीम टीकाकरण में जुटी। इकोना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पर स्वास्थ्यकर्मी पूनम भारती और रवि श्रीवास्तव 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों के कोविड टीकाकरण में जुटे हुए हैं। 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हैं, जहां पर उन्हें कोविड की दूसरी खुराक दी जा रही है। इकोना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों के टीकाकरण में जुटी हुई है। लोग भारी संख्या में पहुंचकर कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक ले रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकोना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पर 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कोविड की दूसरी खुराक दी जा रही है। 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवाओं को इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिया जा रहा कोविड की पहली खुराक। इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले लोगों को कोविड की पहली खुराक दे रही है। पहले से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद युवा इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्यकर्मी उनके टीकाकरण में जुटे हुए हैं। साथ ही अगली डोज के बारे में जानकारी दी जा रही है। आधे घंटे वेटिंग हॉल में बैठाने के बाद युवाओं को घर जाने की इजाज़त मिल रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पर हेल्थ विभाग की टीम 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के टीकाकरण में जुटी हुई है और उनको कोविड की खुराक दी जा रही है। जमीनी विवाद में जयचंदपुर कटघरा में महिला की गई पिटाई। महिला ने इकोना थाने पर पहुंचकर की शिकायत। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के जयचंदपुर कटघरा निवासी हसीमा पत्नी सफदर अली ने इकोना थाने पर पहुंचकर बताया कि रास्ते के विवाद को लेकर विपक्षियों ने उसके साथ गाली गलौज की, साथ ही मुक्का थप्पड़ व डंडा से मारे पीटे, जिससे उसको काफ़ी चोटें आई हैं। महिला ने इकोना थाने पर पहुंचकर विपक्षियों के विरुद्ध लिखित शिकायत करते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। महिला की शिकायत पर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी हुई है। कहाँ घर है? किसने मारा? किस बात को लेकर? रास्ते के विवाद को। कहाँ मारे हैं, घर पे कि वहीं बाहर?
इकौना ब्लॉक परिसर में दिव्यांग लोग फार्म जमा करने के लिए जुटे लोगों के जमा किए जाता है फार्म। इकौना ब्लॉक परिसर की ये तस्वीरें जहां पर ब्लॉक सभागार में कैंप लगाकर दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वित्तीय अनुदान स्वीकृत के लिए फार्म जमा कराया जा रहा है और कर्मी फार्म भरकर जमा कराने में लगे हुए हैं। यहाँ पर भारी संख्या में दिव्यांग पहुँच रहे हैं जो अपना आधार कार्ड के देने के साथ साथ फार्म भरकर जमा कर रहे हैं। आपको बता दें, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी श्रावस्ती के निर्देश पर इकौना ब्लॉक सभागार में दिव्यांगों के फार्म जमा किए जा रहे हैं, जिससे उनको कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण का वितरण किया जा सके। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इकौना ब्लॉक परिसर की ये तस्वीरें हैं जहां पर विभिन्न गाँव से, विभिन्न इलाकों से दिव्यांग लोग पहुंच रहे हैं, जिसमें महिला पुरुष शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इकौना ब्लॉक सभागार में लगाया गया कोविड टीकाकरण बूथ। भारी संख्या में लोग पहुंचकर लगवा रहे कोविड का टीका। इकौना इलाके के ब्लॉक सभागार की ये तस्वीरें जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोविड टीकाकरण कैंप बूथ का आयोजन किया। यहां पर आसपास के तमाम लोग पहुंच रहे हैं जिन्हें कोविड की पहली व दूसरी खुराक दी जा रही है। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ इकौना के सभासद एहसान चौधरी भी बढ़ चढ़कर कोविड टीकाकरण में लगे हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोविड टीकाकरण कराएं, जिससे खुद सुरक्षित रहें तथा अपने परिवार को स्वस्थ रखें, साथ ही समाज भी स्वस्थ रहे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इकौना इलाके के ब्लॉक सभागार की ये तस्वीरें हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड टीकाकरण बूथ का आयोजन किया गया है और भारी संख्या में लोग पहुंचकर कोविड वैक्सीन लगवा रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इकौना ब्लॉक सभागार की ये तस्वीरें। इकौना अस्पताल पहुंचे मरीजों का स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही कोविड टेस्ट, जांच के बाद ही देखे जा रहे मरीज। इकौना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें जहां पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रयोगशाला में आए हुए मरीजों के कोविड टेस्ट में जुटी हुई है। सबसे पहले लोगों का कोविड टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही डॉक्टर उनको देख कर उन्हें दवाइयाँ दे रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, इकौना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रयोगशाला की ये तस्वीरें जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोविड टेस्ट में जुटी हुई है और आए हुए मरीजों की कोविड जांच के बाद ही उनको दवाइयां व परामर्श दिए जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला जहां पर कोविड टेस्ट के बाद ही लोगों को दवाइयां मिल पा रही हैं। इकौना इलाके के बाढ़ प्रभावित गांव कोटवा, दहावर, कला आदि स्थानों पर पहुंचकर तहसीलदार ने किया निरीक्षण, ग्रामीणों को दिए निर्देश। इकौना इलाके के दहावर, कला, कोटवा आदि स्थानों की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर पहुँचकर इकौना तहसीलदार रामदयाल वर्मा ने यहां का निरीक्षण किया तथा ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें सुरक्षित रहने के निर्देश दिए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, आपको बता दें राप्ती नदी उफनाई हुई है, जिसके चलते इकौना इलाके के दहावर, कला, कोटवा आदि गांव में पानी भर चुका है। साथ ही किसानों की मेहनत से लगाई गई फसल जलमग्न हो चुकी है। ऐसे में तहसीलदार इकौना ने इलाके में पहुंचकर बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और ग्रामीणों से वार्तालाप करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इकौना इलाके के कोटवा, दहावर, कला की ये तस्वीरें हैं जहां पर भारी संख्या में लोग परेशान हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से लगातार भ्रमण निरीक्षण आदि जारी है और ग्रामीणों को सुरक्षित करने के लिए प्रशासन लगातार निरंतर प्रयास कर रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इकौना इलाके के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा करते हुए तहसीलदार इकौना। इकौना थाने के पास पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, 8 वाहनों का किया ई चालान। इकौना इलाके के थाने के पास की ये तस्वीरें जहां पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 8 वाहनों का ई चालान किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इस दौरान पुलिस को देखते ही दो पहिया वाहन चालक भागते हुए नजर आए। इकौना इलाके के थाने के पास की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए 8 वाहनों का ई चालान किया। इकौना तहसील सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील टास्क फोर्स की बैठक का किया गया आयोजन। इकौना के
तहसील सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें माह जुलाई से चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान के बारे में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, ब्लॉक मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर यूनिसेफ के द्वारा चर्चा की गई। चर्चा के दौरान दस्तक में की जाने वाली विभागवार गतिविधियों पर जानकारी सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को दी गई। एसडीएम ने बताया कि जो कार्य आप सभी के द्वारा किया जाना है उनकी गतिविधियां समय से पूर्व ही कर लें और इसकी सूचना नोडल विभाग स्वास्थ्य विभाग के पास समय से प्रेषित कर दी जाए। बैठक के दौरान अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोना डॉक्टर अनिल त्रिपाठी, CDPO गायत्री देवी, मुख्य सहायिका शहर अब्दुल हन्नान यचियू, मोहम्मद अहमद इकोना खंड विकास अधिकारी आदि लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन किया गया।